आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर भाजपा से स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हैं आरएस पठानिया जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी कि आपने अपने व्यूअर्स के साथ बात करने का मौका दिया, अपॉर्चुनिटी। पठानिया जी, क्या कहना चाहोगे जिस तरह की स्थिति बनी हुई है? हर कोई कह रहा है कि जितने भी पार्टीज है वो कह रहे हैं कि चुनाव जो है जल्द से जल्द कराए जाने चाहिए ताकि स्थिति जो है वो बिल्कुल सामान्य हो। आप क्या कहेंगे कि कब तक चुनाव जो है वो हो सकते हैं? देखें, चुनाव कब होगा इसकी तय जो तिथि और जो समय है वो इलेक्शन कमीशन का एक्सक्लूसिव प्रेरोगेटिव है। जी जी। अब आप बोलेंगे क्यों है, सरकार आपकी है, ये वैधानिक और जिसे कहते हैं संवैधानिक पोजीशन यही है। जी जी। अब दूसरा है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी आज अभी भी चुनावों के लिए तैयार है। बट आपने देखा होगा 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ एक बड़ी डिटेल्ड एक परिसीमन की प्रक्रिया चली, कोविड के बावजूद भी चली जी। और उस प्रक्रिया के बाद फिर एक एक्सक्लूसिव जिसे कहते हैं एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वोटर रिवीजन भी जम्मू कश्मीर में चला। उस वोटर रिवीजन उस प्रक्रिया के बाद अब मुझे लगता है कि कानून लॉ एंड ऑर्डर की अल्टीमेट असेसमेंट लेके किसी भी दिन जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं, ऐसी को बात। अन्य पार्टीज की बात की जाए तो उनकी तैयारियां जो है अभी से शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो है अब जम्मू भी वो जल्दी पहुंचने वाले हैं। तो भाजपा की बात की जाए, उनकी किस तरह की तैयारियां? मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, हम बिल्कुल तैयार हैं, 100% वी आर रेडी। जब मर्जी इलेक्शन कमीशन चुनाव की तिथि घोषित करे, एज ए सरकार भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से इसको सपोर्ट करना है और एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमें इसमें पार्टिसिपेट करना है। वी आर होपफुल कि जब भी चुनाव हो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पूरी ताकत लगा के चुनाव में उतरेगा। अलग अलग पार्टीज जो है वो रैलीज निकाल रही है। कांग्रेस की बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो है जम्मू भी पहुंचने वाली है, वो अपनी जो है आने वाले चुनावों की तैयारियां जो है वो उसमें लगे हुए हैं, उसको मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी क्या इसी तरह से मजबूती देने के लिए रैलीज का आयोजन करेंगी या करने की कोशिश कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पोलिंग बूथ को एक यूनिट बना के उस पर फोकस करके और काम करती है। काफ़ी चंद दिनों से, बल्कि चंद महीनों चंद वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनावी पार्टी नहीं है। हम 24/7 पूरे 365 के दिन हम अपने जिसे कहते हैं जनसेवा के काम, लोक कल्याण के काम और जिसे कहते हैं पार्टी की मजबूती के काम हम करते रहते हैं जी। तो ऐसा कोई बात नहीं। बाकी जहां तक भारत जोड़ो यात्रा की, जम्मू कश्मीर में यह भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो है। अब क्यों, अभी भारत तोड़ो तो बड़ा हैशटैग चल रहा है। मैं सवाल नंबर एक उनसे पूछेंगे, भारत जोड़ो यात्रा वालों से, कि आप यहाँ पे मंच साझा करेंगे महबूबा मुफ्ती के साथ, जिनका कहना है कि भारत का झंडा उठाने वाला कोई मिलेगा नहीं। अगर दूसरा मंच आप साझा करेंगे फारूक अब्दुल्ला के साथ, जिन्होंने चीन की मदद मांगी है धारा 370 को रिस्टोर करने में। तीसरा मंच आप पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के नेताओं से, जिनका अपना स्टैंड धारा 370 पे साफ और स्पष्ट है नहीं। कांग्रेस कृपा करके अपना स्टैंड बताए कि वो धारा 370 पे उनका स्टैंड क्या है, कांग्रेस क्या करना चाहती है धारा 370 को लेके। क्या धारा 370 को कांग्रेस को याद करा दूं कि नेहरू जी संसद में बोले थे कि ये एक टेम्परेरी प्रावधान है, नरसिम्हा राव जी पार्लियामेंट में बोले थे कि घिस्ती खुद ही चले जाएगी। पूरे देश में एक जिसे कहते हैं पूरे देशवासियों को और एक सेंटिमेंट था, और क्या कांग्रेस उस सेंटिमेंट के साथ है कि नहीं है कि जो पद्धति, जो प्रणाली, जो कानूनी जिसे कहते हैं अरेंजमेंट पूरे देश में है वो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं जी। मंदिरों का शहर जम्मू कश्मीर जो है वो धीरे धीरे प्रदर्शनों का शहर बनता जा रहा है, ऐसा मेरा नहीं, ऐसा लोगों का कहना है जो प्रदर्शन कर रहे हैं। रैबर खेल की बात की जाए, कश्मीरी पंडित्स की बात की जाए, लगातार जो स्टेट डिपार्टमेंट की बात की जाए, अन्य डिपार्टमेंट की बात की जाए, आज आप देख रहे हो कि हर कोई सड़कों पर, आज आपके भाजपा कार्यालय के बाहर ही कितनी संख्या में जो है, हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरह से आप मानते हैं कि आने वाले समय में इनका समर्थन आपको मिलेगा अगर इसी तरह से प्रदर्शन का जारी रहा? देखें, युवाओं को लेके, युवाओं का पेमेंट पैटर्न क्या हो, उनको क्या देना है, युवा अगर नौकरी में कच्चे आए तो उनको पक्का कब करना है, और जो सिलेक्शंस हो वो किस पीरियड में, किस समय सीमा में तय हो, और उनकी एक ट्रांसपेरेंसी उसमें कैसे तय की जाए। इस मामले में जम्मू कश्मीर का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा ख़राब था पिछले चंद दशकों से, मैं 3 वर्ष की बात नहीं, पिछले चंद दशकों से उसको ट्रैक पे लाना, और जो नासूर जिसे कहते हैं जो जख्म कई दशकों से जम्मू कश्मीर को तंग करते थे उसको ठीक करते करते थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन वी आर होपफुल थिंग्स विल कम टू द राइट। और ये सभी विषय आपके ध्यान में रहे कि कल गृहमंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप का बैठक था और इन सभी विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा इन सभी विषयों पर की गई है। काफ़ी समय से आपकी जो कार्यालय के बाहर ये है कि आप इनसे मिलने के लिए, आपने जाने की खुशी आश्वासन दे, उनका कहना है कि हमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। अब रहे जंगलात की बात की जाए, उनका 5 साल का
पीरियड जो है वो खत्म हो चुका है, इनफैक्ट 6 महीने ऊपर हो चुके हैं, तो उन्हें उनका हक किस तरह से मिलेगा? देखें, हमारा स्टैंड क्लियर और कैटेगोरिक है, और पहले तो उम्मीद, पहले तो मांग, फिर उम्मीद, फिर आश्वासन, और फिर तो पूरा होता है ना जी। तो हम उनके साथ खड़े हैं, और उनकी मांग को हमने औपचारिक आधिकारिक तौर पे और भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष कमेटीज़ ने भी उनके फेवर में ही लिखा है जी। एक कमेटी गठित की थी, और आई एम होपफुल रेबरे जंगलात, रेबरे खेल, NYC, NHM, CIC ऑपरेटर्स, डेली वेजर्स, और कोई शोभा मैं भूल भी जाऊँ तो उन सभी के साथ, और खासकर PM पैकेज एम्प्लॉइज और रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज, इन सबके साथ आने वाले दिनों में इंसाफ होगा, जस्टिस होगा। कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर में किस तरह से भाजपा मजबूती देगी? देखें, कश्मीर में कमल का फूल खिलेगा, और वो लोग जिन्होंने कहा था 5 अगस्त 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी लखनपुर की उस तरफ होगी, इस तरफ नहीं होगी, लेकिन आपने देखा जिला विकास परिषद के चुनावों में ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर के सामने आई, बल्कि कश्मीर में भी जिसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पर लोग DDC का चुनाव जीत के आए, भारी तादाद में कई इंडिपेंडेंट्स और दूसरी पार्टियों से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, तो इससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलरिटी पूरे जम्मू कश्मीर प्रदेश में है, एंड वी आर होपफुल कि कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूती से उभर के। हमारे माध्यम से जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या कुछ आप उन्हें कहना चाहेंगे? मैं सभी को कहना चाहूँगा कि एकमात्र पार्टी जो नेशन फर्स्ट, और उसके बाद पार्टी सेकेंड, और सेल्फ लास्ट, दिस इज़ दी ओनली पार्टी जो एक राष्ट्रवाद को लेके, नेशन बिल्डिंग को लेके अपना एक कार्य पद्धति, कार्य प्रणाली की ओर फोकस करती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, और आने वाला वक्त, आने वाला दौर जो है वो आपका, हमारा और भारतीय जनता पार्टी का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। साफ तौर से उन्होंने कहा कि लोगों का साथ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इनका कहना है कि लोगों को मूलभूत सुविधाएँ जो है वो ज़रूर मिलेगी, थोड़ा सा समय लगेगा, इनका कहना है कि लोगों का हमें सहयोग चाहिए। अगले अपडेट लेकर फिर मैं आ जाऊंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स। फिर जल्द से अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।